असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसका कहने का मतलब है, जिसने कहा है, किसी कवि ने कहा है, ये कहने का मतलब है कि जब तक आपको असफलता ना मिले, तब तक आप अपनी सफलता के करीब नहीं पहुंच पाओगे। मीन्स अ फेलियर इज़ ए वे ऑफ ए सक्सेस, पाथ ऑफ ए सक्सेस, जो भी आप कह सकते हैं। एंड हमेशा कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी उस चीज़ का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सब ठीक हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मुझे हो रही है लेट, दिखाता हूँ। मेरा टाइम है सुबह 9 बजे जाने का इंस्टीट्यूट पे, और अभी क्या टाइम हो रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाइम 10:30 हो रहे हैं। 9 बजे जाना होता है और 10:30 बजे मैं तैयार होकर जा रहा हूँ। मैं भूल गया था, 10 बजे मेरे को याद आया कि मेरा इंस्टीट्यूट भी जाना है। बिल्कुल ही भूल चुका था। मेरी बहन ने मेरे को याद दिलाया। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, आप कैसे हैं? सभी ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के दिन आपका बढ़िया जाए। अपना सारा सामान रख लेते हैं, चश्मे का डब्बा रख लेते हैं, बैग उठा लिया है, बैग में ज़्यादा कुछ रखता नहीं मैं, देख लो, बैग में ज़्यादा कुछ रखता भी नहीं हूँ मैं। 2-4 ही चीज़ होती हैं यहाँ से, तो दिखेगा भी। ये रहा, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रखूँ, मैं निकल रहा हूँ अभी। चलो निकलते हैं, अपनी सवारी, अपनी प्यारी राम प्यारी। इसी में जाएंगे हम, पहले दरवाज़ा खोलेंगे। इसको बाहर तक लेंगे जरा, इसे चलने डालना। नमस्ते नमस्ते मम्मी, गाड़ी लेके जा रहा मैं, ठीक है? मेरे दुकान के बाहर का नज़ारा है, दुकान देख लो। ये रही मेरी दुकान, ये भी मेरी है, पर ये गोदाम है, दुकान नहीं है। ये है दुकान, स्टेप्स से इतने एक घर पे जाने का रास्ता। अपन पहुंच गए हैं इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के बाहर का नज़ारा ये रहा। ये लोग बड़ा सेक्सी सा नज़ारा है, मतलब बाहर घर ही घर है, सारे घर हैं। ये ऊपर वही सीढ़ियाँ जिससे हम पिछली बार आए थे। ये रहा होने जा रहा, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, बड़ा ही बेस्ट है जिसे कह सकते हैं कि यार इस जगह पे घर लेना ना, मतलब तू बस। हाँ ये रहा, अभी हम पूरे लेट हो गए हैं, भैया से सुनने को मिलेगा कि कहाँ रह गए थे दिन लेट। 9:30 बजे आना होता है, 10:30 बजे पहुँच रहा हूँ, 1 घंटा लेट। भूल गया था बिल्कुल कि क्या होता है। जय श्री राम। तो इंस्टीट्यूट से मैं आ चुका हूँ, वहाँ कुछ ज़्यादा ब्लॉक करा नहीं था,
थका हुआ हूँ, बट अभी गेम के लिए दोस्तों ने बुला दिया मोबाइल में, पबजी गेम, पबजी खेलेंगे मस्त। मम्मी को बोलते हैं यार कुछ खिला पिला देंगे, प्यास उस टाइप लग रही है। यहाँ कर दी मेरी घर वालों ने सफाई, मुझे बताया भी नहीं कि साफ सफाई कर रहे हैं। खैर से बताना ही था। क्या कर रहे हो? अच्छा कपड़े धोने के कारण के ऊपर धो सकते हो, ऊपर रगड़ सकते हैं। हाँ। जो बिल्कुल गाढ़ा वाला दाग है ना, गाढ़ा वाला जो हाथ से ही निकलेगा मुझे उससे होएगा। पानी की स्पीड टेस्ट हो गया तो कहाँ दिक्कत आ रही, क्या हो गया? कुछ नहीं, पानी कम आ रहा था ना। तू मोटर का फ्लो देखा अपने, इसका फ्लो। अरे सफाई करने की जरूरत होती है, काई जम जाती है। हरा भरा सा लग रहा, ये टेरेस्ट्रियल गार्डन कह सकते हैं इसे, और गार्डन तो कम है वैसे, फार्मिंग लैंड जरूर बोल सकते हैं जैसे खेत। ये लौकी, तोरी, भिंडी और क्या क्या है, इसमें खीरा भी है ना एक है, उग गया क्या ये खीरा? अरे इतना बड़ा खीरा अभी कब लगा इसको तो पता ही नहीं चला, ये छुपा छुप में छुप छुप के उग गया। सही है, और कुछ तो नहीं होगा क्या? ये क्या है, ये भी तो वही है लौकी है ना, तो तोरी, तोरी है ये पुदीना। पुदीना तो बहुत सारा उग रहा है वहाँ पर भी, किस साइड? हरा धनिया, धनिया भी बहुत हो गया इस बार, तुलसी तो बढ़िया, और की इस बार तो मतलब तुलसी वैसे होती नहीं हमारे यहाँ, तो मतलब लग रहा कि हमारे यहाँ तो होती नहीं थी, ये हो रही तुलसी बढ़िया। तुलसी का पेड़ कहाँ है इसमें? ये वाला धनिया के बीच में तुलसी का पेड़ चलेंगे होंगे बीच। हाँ करेले भी उग गए, सही है यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था ये छोटे से करेला है भाई। कितना छोटा है ये, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था यार ये सब उग जाएगा। यहाँ पर भी एक एक यहाँ पर ऊ, हाँ वहाँ पर भी हो रहा है एक, जूम करता हूँ एक मिनट। इनके नीचे फूल उगते हैं हरी मिर्च, ये तो मिर्च का बोलते हैं, मिर्चा कहाँ हो गया अभी, मिर्च तो उगने में टाइम लगेगा ना। ये बीच में भी रखा तो दोस्तों देख लो, सीधा कहने का मतलब ये है कि छत पे भी सब्जियाँ उगा सकते हैं आराम से, छत पे भी सब्जियाँ आराम से उग सकती है। ये रे टमाटर बहुत बड़े टमाटर है पता है, चीटियों के हिसाब से तो बड़े हैं। खैर चीनी टमाटर है, चीन का है, चीन का नहीं, सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई छत पे भी सब्जियां और आराम से उग सकती हैं, है नहीं? तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस।